भंडारा गोंदिया जिले में होने जिला परिषद एवं पंचायत समिति के चुनाव है, जिसमें सियासी गर्मागर्मी चालू है। भले ही मौसम ठंडा और बदल ढक चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में गर्मी आ चुकी है। वहीं 18 तारीख को होने वाले मतदान के लिए सिहोरा क्षेत्र में दो बड़े नेताओं की प्रचार सभा हो चुकी है, जहां सिहोरा जिला परिषद कांग्रेस के प्रत्याशी मिनास कलाम शेख प्रचार के लिए पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सभा ली, जिसमें मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिकने वाले देश को बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना बहुत जरूरी है की बात कही। इसके पहले सभा हुई, राष्ट्रवादी के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर दो टुक कहते हुए निशाना साधा, जिसमें नाना पटोले किसान हित में निर्णय लिए जाने की बात कहते हुए कई मुद्दों को उजागर भी किया। सिहोरा क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्र में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन चुनाव प्रचार से गर्मा गर्मी शुरू है, जिसमें भाजपा के बड़े नेताओं की अभी तक सभा होना बाकी है, जिसमें 16 जनवरी प्रचार का आखिरी दिन है और 18 जनवरी को मतदान होना है। वही उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा 19 जनवरी को खुलने वाला है। आणि त्यासाठी कारण की या वर्षीची जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती आपली नुकसानीची आहे। मोठ्या प्रमाणात रोग लागले आहेत, त्यामुळे धानाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आणि तोच मुद्दा मी विधानसभेत मांडला आणि त्यावेळेस राज्याच्या सरकारला सांगावं लागलं की आम्ही या वर्षाला सुद्धा बोनस आम्ही तुम्हाला देऊ, अशा पद्धतीचं आश्वासन विधानसभेत सरकारने दिले। BCN न्यूज के लिए भंडारा से जितेंद्र पटेल की रिपोर्ट।